Assalamu alaikum, Shaukat Bhai, Kausar Aka, Sara, Ali, and all of Noor's friends. It's a very emotional day, even for us. Because as a mother, I can feel your pain. And it's just a humble effort to pay tribute to Noor. And aapko to bahut bada loss hai, usko to Allah aapko sabar de. लेकिन ये बाजीचा की बच्चियाँ हम सब की दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि एक तो नूर का अगला जहान इंशाल्लाह अल्लाह उसको जन्नत अल-फिरदौस में वो अपनी बर्थडे मना रही होगी और यहाँ पे हम ट्रिब्यूट एक छोटा सा हमने कोशिश की है तो प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं और अपने कुरान पाक से أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب جزاك الله خير اب نعت رسول مقبول کے لیے میں یمنا کو دعوت دوں گی در نبی پڑی رہوں आपको एक तो अपना तारुफ कराती हूँ मैं इरम मुमताज एजुकेशनिस्ट और रिमीडियल थेरेपिस्ट और बाजीचा ट्रस्ट 2005 का जल्जला जब आया तो मेरे हस्बैंड आज़र वसर भी ने बनेगी और पिंडी में ही वो करे थे और जब भी कोई पाकिस्तान पे कोई नादानी आफत आती है तो हम सब बचपन की दोस्तें मिल के हमारी कोशिश होती है कि अपने हम प्यारे मुल्क के काम आ सकें किसी तरह भी और तभी हमने काम शुरू किया और जब हमने देखी कि कितनी बड़ी नागानी आफत थी और कितना 80,000 कीमती जाने जो ज़ाया हुई तो तब हम दोस्तों ने मिल के एबटाबाद में बाजीचा ट्रस्ट की बुनियाद रखी 6 साल बाजीचा ट्रस्ट एबटाबाद में था 9 साल पहले वो पिंडी शिफ्ट हुआ और फिर बनीवाला में सो यहाँ पे हमारे पास बच्चियाँ शेल्टर होता है एजुकेशन स्किल डिवेलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 सालों में हमारी 3 ब्रांचेज हो चुकी हैं 2 ब्रांचेज हमारी पिंडी में हैं और हमारा काम ये है कि टू एम्पावर फीमेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर क्लास क्रीड और रिलीजन और नूर की रोशनी इंशाल्लाह हमने तहैया किया है कि हर साल हम इसी तरह ही हमारी कोशिश होगी कि ये बच्चियाँ जो हैं अब आपको इनमें नूर नज़र आएगी कि इनका मुस्तकबिल जो हमने मिल के बनाना है कि औलाद तो वैसे भी एक अमानत होती है अल्लाह की तरफ से सो अल्लाह ने अगर चुन लिया है हम सबको कि ऐसी अंडर प्रिविलेज बच्चियां जो इतनी खूबसूरत बच्चियां कि इनको हम बेहतर मुस्तकबिल दे सकें सो बाजीचा का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि पाकिस्तान की पिसी हुई और अंडर प्रिविलेज या किसी भी स्टेटस से ताल्लुक रखने वाली बच्ची हो औरत हो वी प्रोवाइड देम अ सेफ हेवन सो यहाँ पे शेल्टर भी है एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट और ये सारे डायरेक्टर्स जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं अब मैं नूर के वालिद और ये बच्चों आप सबको बताना है कि ये शौकत भाई नूर बाजी के वालिद हैं उनकी वालदा है कौसर आंटी उनकी बहन है सारा और उनके भाई अली भी हैं सो हम यही चाहेंगे अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शौकत भाई अगर आप कुछ थोड़ा बहुत शेयर करना चाहें आज का दिन हमारे लिए हमारे फैमिली के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज 23 अक्टूबर है और हमारी बेटी नूर की आज सालगिरह होती है लेकिन आज की सालगिरह कुछ अजीब सी है कि हमारे साथ नूर मौजूद नहीं है ना हम केक काट रहे हैं ना हम दूसरी खुशियाँ मना रहे हैं लेकिन हमारे लिए आज ये बहुत अहम दिन है कि हम आपके साथ हम यहाँ बैठे हैं
मैं हमारी बहन इरम का बहुत मशहूर हूँ और मरियम बहन का और दीगर जितने नूर के यहाँ दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं, जिन्होंने इतना टाइम निकाला और यहाँ ये प्रोग्राम किया, क्योंकि नूर जो है वो अपनी सालगिरह में ऐसा करती थी कि आप जैसे प्यारे बच्चों के साथ जाके मिलती थी वो, और वो उनके लिए गिफ्ट बैग तैयार करती थी। अच्छा, ये हमें पता नहीं चला था, फिर बाद में पता चला ये खामोशी से दुकानों में जाती थी और डब्बे इकट्ठा करती थी और फिर अपने पॉकेट मनी से जो है वो खर्च करती थी। अब बहुत सारे बच्चों को जाकर के ये गिफ्ट बैग देती थी। तो ये बेसिकली जो इसकी हम आज दिन मना रहे हैं इसके याद में, ये वो जो है कि गिफ्ट गिविंग, कि ये आपके यहाँ में देख रहा था कि गिविंग फॉर द हार्ट, ये बागीचा का एक जो आपका मोटो है। तो नूर का भी ये था कि वो शेयरिंग और गिविंग करती थी, मतलब लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ जो है व्हाटएवर शी हैड शी वुड लाइक टू गिव देम, शेयर हर लव, शेयर व्हाटएवर शी कुड। तो ये एक बहुत अहम क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी और हर एक इंसान की क्वालिटी होना चाहिए कि वो अपने सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, बल्कि अपने दोस्तों, अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपने दूसरे दोस्तों के बारे में सोचे, अपने सहेलियों के बारे में सोचे। अब ये एक जैसा अजी बता रही थी, बहन बता रही थी कि ये जज़रे के बाद इन्होंने शुरू किया, और ये माशाल्लाह मुझे पता है कि 2005 का जो जज़ला हुआ था, इतनी क़यामत टूट गई थी पाकिस्तान पे, लेकिन सारे लोग मिलकर के, पाकिस्तानी लोग जो है मिलकर के उन्होंने काम किया और सब जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो ये एक गिविंग का, अभी से आप जो है आपकी ट्रेनिंग हो रही है और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है देख करके कि आप लोग जो है ना ये अभी से आपने ये क्वालिटी डेवलप करनी है। और नूर की जो है ना रोशनी, वो शेयरिंग, गिविंग, लविंग, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, वो तो बच्चों इंसान से रिस्पेक्ट करती थी, जानवर को भी प्यार करती थी, क्योंकि ये हमें नूर की जिंदगी सिर्फ 27-28 साल थी, लेकिन इतने काम कर गई वो कि आप सोच नहीं सकते हैं। और बहुत सारे मतलब जगहों में अभी हमें पता चल रहा है वो क्या क्या लोगों के लिए खिदमत करती थी, क्या क्या सोचती थी। वहाँ एक बार एक भाई के साथ जा रही थी तो दुकान में एक छोटा सा वाक्य, बहुत सारे वाक्यात हैं जो हमें उनकी सहेलियाँ भी बताती हैं कि वो दुकान में गई और वो भाई गया दुकान में, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि कुत्ता, वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी और कुत्ता बेचारा बाहर वो जो है ना उसको प्यास लग रही है और वो पेंटिंग कर रहा है। तो नूर दुकान में गई और जाकर के उसकी पानी लेकर आई और कुत्ते को पिलाना शुरू कर दिया। तो वो भाई ने बोला ये तो वो है स्ट्रे डॉग है, ये काट लेगा आपको। बोले कि नहीं, कुछ नहीं काटता वो, मतलब उसको इतना वो था, प्यार था इंसानों से, जानवरों से, हर एक से, एंड शी वांटेड टू शेयर विद एवरीबॉडी। तो ये एक क्वालिटी है और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ इतनी अच्छी साफ सुथरी जगह आप लोगों ने मेनटेन किया हुआ है, ये एक बहुत बड़ी आप लोगों में क्वालिटी है। मैं समझता हूँ कि आपके जो यहाँ साथीदार हैं और दूसरे आपके पता नहीं प्रिंसिपल होते हैं कोई या जो मैनेजर होते हैं, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को, बहुत थैंक यू कि आप लोग बच्चियों को जो पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं, मतलब ये कौम की मुस्तकबिल है और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोग ने टाइम दिया और नूर के लिए दुआ करें हमेशा। आप लोग दुआ करेंगे तो जरूर आपकी दुआ जो है ना मंजूर होगी। अब देखिए नूर क्या क्या काम करती थी, ये उसने ये बनाया छोटी सी डायरी में, रहमान और जितना अल्लाह सुबहान तआला के नाम में नाम है वो उसने बना कर लिखे, और फिर जो है हम इसकी एक एग्जीबिशन करेंगे बाद में और इंशाल्लाह आप लोग से भी शेयर करेंगे। तो वो अल्लाह सुबहान तआला के जो है ना कैलीग्राफी करती थी, उनके नाम लिखती थी और फिर हमें बताती थी कि भाई मैं तो अल्लाह ताला से बात करती हूँ, एज ए फ्रेंड, दोस्त की तरह बात करती हूँ अल्लाह ताला से। तो बात यह है कि इंसान को अल्लाह ताला ने भेजा है दुनिया में एक मकसद के लिए। तो आप भी अभी से ये समझें कि जो मकसद है आप तालीम हासिल करें और पढ़ाई लिखाई करें, जो आपके दूसरे
किताबें हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मैथ, जो कुछ आपको पढ़ाया जाता है यहाँ, इस्लाम की किताबें हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। और अच्छा इंसान जो है वो बनता है इस तरह से, आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनकी खिदमत करें, अपने उस्ताद हैं यहाँ मैनेजर जो कुछ, उनकी इज्जत करें आप, और एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे से हेल्प करें, एक दूसरे से शेयर करें, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो अभी से आप लोग में इंटरक्रेट होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, और जिसने मरियम बहन का बहुत शुक्रिया, और जिसने आपके यहाँ मैनेजर और स्टाफ है उनका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और नूर की सहेलियाँ, नूर के दोस्त आए हैं दूर दूर से, और हमारे अतीक साहब हमारे दोस्त थे कोरिया से, वो भी आए हैं इतनी दूर से आए हैं, और मीडिया का बहुत शुक्रिया, मीडिया के बताए बगैर तो कुछ लोगों नहीं पता चलेगा, तो यहाँ हमारे साथ मीडिया के भी मौजूद हैं, और जो है यहाँ सारे बच्चे जो हैं उन्होंने इतना काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो मैं और लंबी बात नहीं करूँगा, बहुत आप लोग का शुक्रिया और मेहरबानी, नूर के लिए दुआ कीजिए। हैं The day I met Noor was on Eid, over a decade ago. She walked in with Sara, and I was blown away by her beauty, her radiance, and those big, beautiful eyes with those stunning lashes. We started talking about nothing and everything, and we instantly hit it off. We were talking for hours. And since then, she has always been a constant part of my life. And everyone who knows her well will agree that she was a diamond in the midst of gold. She was one in a million. Noor's name means light, radiant like a star, and it is one of the 99 attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone who knew Noor would praise how empathetic she was. She would care for humans and animals alike. She fought for human rights. She wanted us women to have a voice in this world, and she loved to gain knowledge. She did tell me one thing, which stood by me through all these years. Our body is a temple and our heart is a muscle. And making decisions from your heart is not a weakness. It is strength, and when you are lost and confused, your gut can tell you so much about what you're feeling and what to do. The light of Noor was not like the light of sun, which is so bright that it hurts your eyes when you look too long. Rather, the light of Noor is a soft form of light, just like the moon at night. It combines softness, calmness, and brings comfort to our eyes. And our Noor was the perfect example of that. She was indeed the coolness of our eyes. A gift from Noor, that was the theme today. What we always knew was that our Noor was our greatest gift. Her presence, her aura, and the light she provided lit up our hearts. We will take this wherever we go. We have been blessed to have known her, blessed to have been a part of her life, and we will be blessed to be with her in Jannatul Firdaus, inshallah. Her love to us is our gift. Her love will give us the strength, the motivation, and the drive to become better versions of herself, so that one day we will be where she is, in Jannatul Firdaus. Amen. Assalamualaikum everyone. I'm going to share an anecdote that my sister Yumna wanted to talk about, and she's not here at the moment, so she won't ask me to share this. As some of you might know, we're from the same foreign office family, and we really are a family. So here's what she says. Years ago, I fondly remember that Noor and I were participating in a cultural dance at the Chinese embassy. Noor made it look so easy, so effortless. While I was worried about getting every step right, concerned about people looking at me, conscious about my moves, Noor practiced laughing, smiling, giggling, and rolling over the floor. She was living in the moment, not worried about the past or future, but living in the now. Today, Noor's future has been robbed, and all we have left is beautiful memories of her past. I long for the day where we all can laugh, smile, and giggle like Noor. We long for justice, and for the day we all can live like Noor did, shining bright and radiant, अच्छा शौकत भाई कौसरापा, हम अब हमारे बच्चियाँ कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगी आप लोगों से, ठीक है, नूर के बारे में। शायद टेडी बेयर होता था, वो उसका नाम खाउस था।
She had a teddy bear. It was in the shape of a cow. Cow. So हम लोग बहरीन में थे उस वक्त और बहरीन से ना सऊदी अरेबिया जाना is just like a weekend trip. तो हमें उम्रा के लिए जाना था. तो हम लोग गए. हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए. और नूर अपना टेडी बेयर लेकर आए थे ना साथ में तो हमने कहा ये टेडी बेयर तो नहीं जा सकता उमरा के लिए व्हाट आर यू डूइंग तो शी इज लाइक तो उसने हिजाब पहना दिया टेडी बेयर को एंड शी इज लाइक नाउ ही इज रेडी फॉर उमरा नाउ काउजी इज रेडी फॉर उमरा सो दैट इज समथिंग आई विल ऑलवेज रिमेंबर नूर की हॉबीज क्या थी आर्ट है ना आर्ट उसकी हॉबी थी पेंटिंग आर्ट स्पेशली कैलीग्राफी और अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कैलीग्राफी करती थी ये उसकी हॉबी थी बहुत और अभी उसने बहुत सारे बनाए जैसे आपको दो मैंने दिखाए थे इसके अलावा और भी उसने बहुत बनाए हैं और इंशाल्लाह उसके एग्जीबिशन हम करेंगे तो उसकी हॉबी थी ये पेंटिंग स्पेशली कैलीग्राफी और बेकिंग भी बहुत करना चाहती थी जो केक वगैरह मीठा हमारे घर दावत पर भी होती थी तो वो जिम्मेदारी दे रही थी कि मीठे हो बनाए केक वगैरह बनाने का मीठा बनाने का वो जिम्मेदारी देती थी नूर बाजी की सबसे अच्छी आदत क्या Always smiling. Always, always smiling. She refused to ever have a frown on her face. हर वक्त खुश रहती थी. She used to live in the moment. और she just liked to spread kindness. अगर उसके साथ कोई you know अच्छे से कोई बात ही कर रहा था वो फिर भी अच्छे से बात करती थी उनके साथ. So that was something very special about her. कभी हमने उसको गुस्सा शोर शराबा करते नहीं देखा ना कभी बहुत जिद की कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए ये और मतलब उसकी बड़ी क्वालिटी थी ये कि हालांकि उस उम्र की बच्चियाँ आकर बहुत जिद करती हैं बहुत वो करती हैं डिमांड भी करती हैं और कभी कोई नाराज की शोर शराब करती लेकिन कभी वो नहीं करती थी नूर बाजी को खाने में क्या पसंद था ये तो अम्मी नूर की बताई है ना लज़ानिया मेरा बहुत पसंद था मेरी बिरयानी बहुत पसंद थी बल्कि वो आखिरी दिन वो बिरयानी ही मेरी खाती गई मेरे हाथ से कहने लगी अम्मी यू मेक अ डिलीशियस बिरयानी अब नाउ आई एम गोइंग टू ईट ये हमारी बच्चियों बैठी हैं उनके पेरेंट्स सब आए हुए थे बच्चे क्योंकि वो तो वहीं थी खड़ी हुई नूर कैसे काम कर रही थी पूरा किचन संभाल रही थी साफ कर रही थी पूरा कुछ अभी बाद में बैठ के उसने बिरयानी खाई नमाज पढ़ के आई और फिर बिरयानी खाई उसने और मैंने उसको थैंक यू किया बेटा यू डिड अ लॉट टुडे तो कहती नो मम्मा आपने बहुत काम किया मैंने कहा नहीं बेटा तुमने सारा सब सेटिंग वेटिंग एवरीथिंग तुमने किया सब कुछ अंकल्स को सबको सर्व करना खाना देना वो उसका आखिरी वही खाना वाना सब किया था उसने मगर वो बहुत मतलब उसको ज़्यादातर वो कोरियन खाने भी पसंद थे नहीं वो गिविंग पास्ता एशियन हाँ फूड्स ये सब बहुत शौक से ना उसको चाहिए होता है हाँ नहीं ग्रीसी खाना नहीं ग्रीसी नहीं नो ऑयल नूर बाजी को कौन से खेल पसंद थे आई थिंक मोर लाइक बोर्ड गेम्स वगैरह खेलती थी इतना स्पोर्टी वो नहीं थी शायद शुरू में थोड़ा थी इन द बिगिनिंग लेकिन just to badminton for a while yes or choti thi I guess football wala lekin she loved playing board games she liked doing that आयरलैंड में हॉकी भी खेलती थी और यहाँ इस्लामाबाद में आकर के या मरगला में ट्रैकिंग होती है ना वो बहुत शौकीन थी ट्रैकिंग पहाड़ियों में चढ़ने की तो और दूसरी ये थी कि ये स्विमिंग वगैरह भी करती थी आयरलैंड में हम लोग एक बार गए थे कहीं बहुत ऊंची जगह से इसने डाइव किया ये सारा मुझे साथ ही वो सब घबरा गए लेकिन वो खौफ नहीं करती थी और कभी भी हम लोग जहाँ आइलैंड में रहते थे तो वहाँ बड़ा बहुत बड़ा कुत्ता एक था तो हम लोग फिर घबरा जाते थे जब अंदर कैसे जाएं ये बहुत बड़ा कुत्ता आ गया तो फिर उसको बुलाते थे बाहर तो ये आती थी और फिर उसको कुत्ते को प्यार करती थी कोई उसको कोई एनिमल कुछ नहीं बोलता था तो ये अजीब सी मतलब कि उसमें क्वालिटी थी और स्पोर्टिंग और वॉकिंग हाइकिंग और ये पहाड़ियों पर मरला पहाड़ी पर ट्रैक बने हुए वहाँ से चढ़ने का इसका बहुत शौक था स्विमिंग वगैरह का बहुत शौक था
Noor Baji ka pasandida janwar kaun sa tha? All animals. She loved all animals so much. Like, I think it's a tie between dogs and cats. She loved them both so much. So all animals though. She loved everything. All animals. جزاک اللہ خیر بہت شکریہ اچھا کوثر آپ کا کچھ لے کے آئی ہیں نور کی امی یہ شیئر کریں گی یہ کیا ہے بتانا چاہ رہی تھی فرسٹ ڈے کی بیبی تھی یہ فرسٹ ڈے ماشاء اللہ 11 پاؤنڈ آلموسٹ تو یہ نیوز پیپر میں اس کا آیا تھا جارڈن کے نیوز پیپر میں تو میں یہ آپ لوگ کو دکھانے لائی ہوں کہ نیوز پیپر کی جو کٹنگ ہے اور یہ میں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا یہ سنبھال کے رکھنا ہے تو پھر ہم نے یہ فریم میں کٹ کے رکھا تھا آئی تھنک ہماری ایک دوست ہے وہاں پہ فرا بھائی اس نے دی تھی فریم اس تو اس میں ڈال کے اس نے رکھا تھا تو یہ یادگار ہے پورے آئلینڈ کے نیوز پیپر میں آئے تھے تو بگ بیبی آج کے دن کی 4.5 کلو جارڈن کے سوری جارڈن کے نیوز پیپر میں آیا تھا تو یہ آئی بھی تھی تو نیوز پیپر کے ساتھ آئی تھی اب آپ دیکھیے پوری دنیا میں نیوز پیپر میں آئی ہے ہر جگہ نور ہی نور ہے اس نے اپنی روشنی ہر طرف پھیلا دی ہے جزاک اللہ خیر اب شوکت بھائی نور کا رجحان اتنا کیلیگرافی شو کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت تھی کہ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ حالانکہ اس کو اردو لکھنی نہیں آتی تھی تو وہ جو ایفرٹ تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ ڈائری میں اس نے اللہ کے پورے 99 نام لکھے سو تھوڑا سا اس کا وہ بھی ایفرٹ اور کاوش کا بتائیں نور کی یہ وہ تھی ہم لوگ وہاں پہ جب پاکستان تو وہ امریکہ چلے گئی تھی پڑھنے کے لیے تو وہاں جو بہت سارے اسلام کے اوریٹر ہیں بردر نعمان احمد ازاد وغیرہ ان کو بہت پڑھتی تھی سنتی تھی ان کو اور اس کا بہت رجحان ہوا دین کی طرف تو وہ چاہتی تھی دین کچھ کام کرے اور دین سے کچھ اصل سمجھے دین کو تو اس میں تو چاہتی تھی کورس بھی کرنے کے لیے میں نے کہا اچھا بیٹا بھی تم ایک گریجویشن کر لو انٹرنیشنل ریلیشن میں گریجویشن کر لو پھر اس کے بعد دین میں جو ڈگری چاہیے یا پڑھنا ہے سب کرو تو اس کو بہت یہ تھا اور پھر یہ کیلیگرافی کرنی تھی اور یہ جو ہے اپنے کمرے میں کرتی رہتی تھی وہاں امریکہ میں جو کتاب تھی پوری ڈائری میں اس نے 99 نام لکھے تھے اور یہ امریکہ میں جب بھی ایکسپورٹ کیا جو اس کو ابھی آپ کو میں نے دو دکھائے یہ ہم نے اس کو بڑا کیا ہے ڈائری سے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک ایگزیبیشن کرنے سوچ رہے ہیں تو اس میں یہ سب کیلیگرافی جو ہے اس نے جو کام کیا ہے اور بہت بہترین رنگ کی جو اس کی وہ ہے جو چوائس ہے بہت ہی بہترین قسم کے رنگ کی چوائس ہے اور اس کے جو ہاں اس کو اردو نہیں آتی بلکہ اردو جو بولنا پڑتا ہے اس کو تو بہت مشکل سے جملے بناتے تھے اردو تو لیکن سارے سورہ ملک اور دوسرے سورے اس کو زبانی یاد تھے اور جو ہے تلفظ کے ساتھ ہمیں کریکٹ کرتی تھی بہت بار تو وہ مطلب اللہ کی طرف سے اس کو خاص ایک وہ تھا اور اللہ مجھے جو تقسیم دے اس دنیا میں جیسے آخرت بنا دے You know, she had a very special connection with Allah from the beginning. جب وہ نماز بھی پڑھتی تھی نا وہ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ نماز پڑھتی تھی لائک کہ پورا صحیح طرح وضو کرنا ڈیٹیل وضو کرنا اور ہے نا بیٹھی رہتی تھی دعا پر دعا کرتی رہتی تھی کرتی رہتی تھی یو نو لائک اور ہم تھک جاتے تھے وہ بس بیٹھی رہتی تھی اینڈ شی وڈ جسٹ ڈو دیٹ اینڈ شی ہیز سچ اے بیوٹیفل کنیکشن یو نو موسٹ آف اس ہم لوگ اگر لیٹ نائٹ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم تھک جاتے ہیں تو ہم سو جاتے ہیں But she will make a point that she stays up for Fajr. She doesn't want, she never wanted to miss her Fajr. So she was just so, you know, ek alag hi uska connection tha. She used to always say, Allah is my friend. And Allah indeed is her friend. And, you know, mashallah, she was a gift from God. And, you know, she really was a gift from God. And we could see that throughout her life. And she was such a beautiful soul. میں جب امبیسڈر تھا تو ہمیں محترمہ عالم اسلام سے انویٹیشن آئی حج کے لیے
तो उन्होंने पेशमाम के मस्जिद के अतीक साहब भी जानते होंगे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इन्विटेशन है हज के लिए, आप और आपकी वाइफ जा सकते हैं। तो नूर ने कहा कि नहीं मैं भी जाऊंगी। मैंने कहा सिर्फ दो लोगों के इन्विटेशन है, लेकिन चलो मैं पूछता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बेटी भी आपकी जाना, मैंने हम तो उनको नहीं छोड़ सके जा सकते अकेली। तो वो भी हम गए हज पे। तो जब हज पे गए तो वहाँ उन्होंने बहुत इंतजाम किया हुआ था, एयर कंडीशन टेंट और ये वो बहुत, क्योंकि मोहतमर आलम इस्लाम की तरफ से इन्विटेशन थी। लेकिन उसने कहा मम्मा ये तो हज नहीं, आप लोग बाहर चलें, ये एयर कंडीशन टेंट में क्यों बैठे हैं, बाहर चलें। और वो गर्मी में और वहाँ खड़ी होकर के हमें सबको ले गए, वो मतलब के वहाँ जा कर के हमें धूप में खड़ी रही और सब दुआएं वहाँ सब दुआएं पड़ती रही। तो मतलब कि उसको बहुत ये था और कन्विक्शन था, बहुत कन्विक्शन था उसको कि वो जो कर रही है सही काम कर रही है और अल्लाह की रजा के लिए कर रही है और इंसानियत की खुशी के लिए कर रही है। मतलब ये उसका मैसेज था। और मैं शुक्रिया कर रहा था सबका, साकिब बशीर साहब का स्पेशल शुक्रिया, वो बहुत आते हैं हर वक्त, हर लोगों को अपडेट कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है। बहुत स्पेशल थैंक यू फॉर यू। कुछ लोग आने से ट्रैफिक बहुत रास्ते में जैम है, तो इस वजह से कुछ और हमारे साथी आना था रहते लेकिन नहीं आ सके। अब बाजीचा की बच्चियाँ नूर का रुझान देखते हुए उसको जो यूथ पे करें कि अल्लाह के नाम में नाम نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الهالك الباري المصور الوفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسي الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المسيت الجامع الغني المغني الماني الزار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله اللہ کے ناموں کے بعد آئے مل کے نور کے لیے دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه
اللہ تعالیٰ اپنے پاک ناموں کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے. اللہ تعالیٰ نور کو اپنی خاص رحمت میں داخل کرو. اللہ نور کی قبر کو کشادہ اور روشن کر کر نور سے بھر دے. نور کے مرتبے بلند فرما. اللہ اس کی چھوٹی کوتاہیاں معاف کر دے. اللہ اس کی قبر کو کشادہ اور روشن کر دے. اللہ تعالیٰ وہ جو جو نیکی کے کام کرنا چاہتی تھی یا اللہ وہ سب جاری رہیں. یا اللہ ہم سب کو ان بچوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول کر لے. اللہ اسے معاف فرما. اللہ تعالیٰ نور کے ماں باپ کو, بہن کو, بھائی کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, ہم سب کو صبر عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نور کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ اس ملک میں امن کے ساتھ انصاف اور شریعت نافذ فرما. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے انصاف چاہتے ہیں, ہم تجھ سے رحم چاہتے ہیں, ہم تیری مدد اور رہنمائی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اے ہر چیز پر قادر رب, اے دلوں کا حال جاننے والے, ان ظالموں کو اللہ جنہوں نے بھی ظلم کیا یا اللہ ان سب کو عبرت اور زندت کے ساتھ رسوا فرما. اللہ ان میں آپس میں فساد ڈال دے, ان کے قدموں کو اکھیڑ دے اور ان پہ ایسا عذاب بھیجیں جو آپ نہیں پھیرتے مجرموں کی قوموں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں نور کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا میں راضی ہیں. اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان سے بھر دے. اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما. اللہ نور کی پیاروں کو صبر عطا فرما. جیسا صبر جمیل انہیں عطا کیا اپنے انبیاء کو اور نیک درویشوں کو. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرما اور دین اسلام میں پورا پورا داخل فرما. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن لے. اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف عطا فرما. اللہ ہماری آزمائشوں کو ختم کر دے. اللہ ہم پر رحم کر دے. اللہ ہم سب کو معاف کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. آج اس خاص موقع پہ باجیچہ کے ڈائریکٹرز نے ڈیسائڈ کیا کہ ہمیں نور ایکسلنس اوارڈ اس بچی کو جو پورے سال میں جس کی بیسٹ اچیومنٹ ہو گئی ہے ایجوکیشن وائز, لائف اسکلز, بیہیویئر, لیڈرشپ کوالٹیز, ٹیم ورک. اینڈ آئی ایم پراؤڈلی اناؤنس ون آف آر اولڈسٹ گرل ملکہ ہوز بین ود اس 15 سال سے ہمارے پاس ہے. 2005 کے زلزلے کے بعد جب ہم نے بنایا بازیچہ ٹرسٹ تو تب یہ 6 سال کی تھی. شوکت بھائی کوسر آپ فائنلی آئیں گے. چھوٹی سی گھبرائی ہوئی بچی ہمارے پاس آئی تھی 6 سال کی. ماشاء اللہ ناؤ شی از ان کالج اینڈ شی ہیز پروون ٹو بی سچ اے گڈ رول ماڈل ان بچیوں کے لیے. سو یہ ایکسلنس نور ایکسلنس ہم نے اوارڈ کیا ہے کہ نور کی برتھ ڈے کے حوالے سے ان شاء اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سال ہم ایسی ہی کسی بچی کو دیں. آپ صاف کر لیجیے. مبارک ہو بیٹا, اور جو آپ نے محنت کی پڑھائی میں, لکھائی میں, اور آل راؤنڈ کوالٹیز جو جس کی وجہ سے آپ کو یہ اوارڈ دیا گیا, اور جو کام آپ نے کیا ہے تو اس کو جاری رکھیں. اور اسپیشلی آپ کے یہ سب دوسرے ساتھی ہیں, آپ جو ٹیچرس ہیں, بہت ان کے جو ہے بہت کنٹریبیوشن ہے آپ کے اس میں, ٹھیک ہے نا. ان کو ہمیشہ ان کی عزت کرنا, اپنے ماں باپ کے, اپنے ٹیچرس کی, اور ان کو ہمیشہ جو ہے نا یاد رکھنا, ٹھیک ہے. بہت مبارک ہو شوکت بھائی. اب ہم چاہیں گے کہ آپ یہی کریں, اور جو آپ یہ تحفے نور کی طرف سے لے کے آئے ہیں, یہ دیکھیں نور یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, پلیز یہ آپ ہی بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم چاہیں گے کہ اس کی روشنی ختم نہیں ہوتی رہتی دنیا تک, ان شاء اللہ کہ اس کا جو پیغام ہے جب تک یہ ہے بازیچہ ہے ان شاء اللہ مقدس. اسے پھٹنے آپ ٹھیک ہے.
Hipsa. Hipsa. Laiba. Laiba. Iraj. Iraj. Insha. Ariba Junior. Ariba Senior. ये शौकत भाई ये आया था बैचलर्स का भी स्टार्ट किया था इसने माशाल्लाह इज अनदर सक्सेस स्टोरी नाउ इज डूइंग मास्टर्स इन आईटी जी आकाश फैसलाबाद से ये भी स्टूडेंट है सो वी ट्राई कि जिनके हम यू नो वी कैन हेल्प देम आउट इन एजुकेशन